आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अपराधियों को कठोर दंड से दंडित कराए जाने व महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह व न्याय ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। महिला संबंधित मामलों में कठोर कार्यवाही करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। रजिस्ट्री कार्यालय पर सीओ कैंट श्याम देव बिंद्र के नेतृत्व में कैंट पुलिस ने की छापेमारी। एक घंटे से ज्यादा रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारियों से की गई पूछताछ। एसएसपी ने कहा, रजिस्ट्री कार्यालय में भ्रष्टाचार के मामले में दो व्यक्तियों की हो चुकी है गिरफ्तारी, बाकियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही है दबिश। उनके खिलाफ गैंगस्टर व कुर्की की जाएगी कार्यवाही। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने रजिस्ट्री कार्यालय व आरटीओ कार्यालय में हुए भ्रष्टाचारियों पर हुई कार्यवाही पर कहा कि अलग अलग विभागों में गोपनीय तरीके से करवाई गई थी जांच, बाकी बचे अभियुक्तों को भी पुलिस जल्द करेगी गिरफ्तार। गैंगस्टर की कार्यवाही व अवैध संपत्ति को किया जाएगा कुर्क। शासन द्वारा अंग्रेजी के लीक हुए पेपर की रद्द परीक्षा का बुधवार को दोबारा पेपर सकुशल हुआ संपन्न। परीक्षार्थियों ने कहा, अच्छा गया है पेपर। राजकीय चिकित्सालय सहित सभी चिकित्सालयों में 60 वर्ष के ऊपर वाले लोगों को लगाया जा रहा है कोविड का प्रिकॉशन डोज। कई प्राइवेट अस्पतालों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग 250 रुपए और संस्था के सर्विस चार्ज को देकर करवा सकते हैं वैक्सीनेशन। सीएमओ ने दी जानकारी। महिला जिला अस्पताल का जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने किया औचक निरीक्षण। डॉक्टरों के साथ बैठक कर कमियों को दूर करने के दिए निर्देश। कहा, लापरवाही करने वाले कर्मचारी के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। प्राथमिक विद्यालय संघ के पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। विद्यालय में बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सभी पदाधिकारियों व विद्यालयों को दिए निर्देश। रेलवे स्टेशन पर लोगों को नाजायज गांजा बेचने वाले एक अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 किलो 120 ग्राम नाजायज गांजा हुआ बरामद, भेजा जेल। रात में मोटर चोरी करने वाले शातिर चोर को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध देसी तमंचा व जिंदा कारतूस किया बरामद। और 23 कोरोना योद्धाओं को सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने किया सम्मानित। कहा, सम्मानित हुए कोरोना योद्धाओं ने दिन रात एक करके जिले में कोविड को किया है नियंत्रित।